हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम। सो गाइस, आज की वीडियो है 10th NIOS वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उर्दू जिसका कोड है 206 उसके सॉल्व TMA की। TMA का मतलब गाइस असाइनमेंट होते हैं और ये जो आपके असाइनमेंट हैं वो है सेशन 2022 के लिए, मतलब 2021 से 22 सेशन के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है उनके लिए TMA का सोल्यूशन है। अगर आप लोगों ने अप्रैल 2022 के अंदर NIOS बोर्ड से एडमिशन लिया हुआ है या फिर अक्टूबर 2022 के अंदर NIOS बोर्ड से एडमिशन लिया हुआ है तो दोनों ही बच्चों के लिए ये जो TMA है उसके क्वेश्चन सेम होते हैं और आंसर भी आपके यही होंगे। चलेगा, शुरू कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो भी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि NIOS बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है वो मैं आप तक बिल्कुल टाइम से और बहुत इजी लैंग्वेज में पहुंचाती रहती हूं। इसके साथ आपका सॉल्व असाइनमेंट, आपके प्रैक्टिकल्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी भी आप हमारे चैनल से घर बैठे आराम से कर सकते हैं। सो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमेंट करके अपना जो भी डाउट है, आपकी क्वेरी है, वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है NIOS बोर्ड में और आपको TMA के बारे में कुछ नहीं पता है सो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि TMA की फुल फॉर्म ही ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होती है। इन्हीं को आपके असाइनमेंट भी कहा जाता है। और बात करूँ आपके जो असाइनमेंट होते हैं वो आपके ऑल सब्जेक्ट्स के बनते हैं। सो हर एक असाइनमेंट के अंदर आपको 6 क्वेश्चन करने को आते हैं और हर एक ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको क्या करना होता है गाइस, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसी का आंसर लिखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं दोनों ऑप्शन का आंसर ढूंढने बैठ जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना। आपको किसी एक ऑप्शन को ढूंढ के ना उसी का आंसर लिखना होता है। अगर डिटेल में आपको TMA के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी TMA के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वहां से आपकी सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लाइक आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं और उनके आपके असाइनमेंट तैयार नहीं हैं, आपका हिंदी इंग्लिश है ना, आपके जो है डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से अपने अदर सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट भी तैयार कर सकते हैं। सो गाइस चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सवाल नंबर 1 है ना। तो इसमें जैसे कि हमारा इंग्लिश में होता है ए और बी, तो इसमें आपका उर्दू में होता है अलिफ और बा, तो ऐसे करके यहाँ पर ना हमने अलिफ को यू नो सेलेक्ट किया है और इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो आपका ये सवाल नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये सवाल लिखा, मतलब यहाँ ये क्वेश्चन लिखा जिसको हम कहेंगे, फिर जितना अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही इसका आंसर है। तो अच्छे से आप अपनी फाइल बनाइए और वीडियो को पोस्ट करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा TMA का फ्रंट पेज कैसे बनाएं या यू नो TMA की स्लिप कहाँ से मिलेगी या TMA रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं वो सभी टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं। उन सभी टॉपिक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चलिए गाइस अभी हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं है ना, तहजीब की तारीफ बयान कीजिए। अच्छा हाँ, तो ये आपका सवाल नंबर 2 है कि भाई तहजीब की तारीफ बयान कीजिए। तो इसका आप जो है यहाँ पर आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, क्योंकि यू नो आपके जो असाइनमेंट होते हैं इनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्ड लिमिट नहीं यूज़ करनी। जितनी इस वक्त यहाँ पर आपको दिख रही है आप उतना ही लिखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। इसके अलावा कम से कम एक राइटिंग हमारे प्यारे से टीचर जिन्होंने इसको तैयार किया है उनकी राइटिंग के लिए तो कर ही सकते हैं। सो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इतने अच्छे तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसको अप्रिशिएट करें, हमारे साथ जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको यहां पर दिखा देती हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सवाल नंबर 3 ये है आपका भाई, क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। मोह माया के सिलसिले में कबीर ने क्या बात कही है। वाओ, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिखा, देन आप इसका आंसर लिखेंगे। आप देख सकते हैं इतना आप जब आंसर लिखेंगे बढ़िया तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको दिखा दिया है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो आपके थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इनका आंसर आप बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट में नहीं लिख सकते। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को PDF फाइल चाहिए अपना उर्दू की या इसके अलावा भी जितने जितने आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो आपके PDF फाइल यानी TMA की या फिर इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल के सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए ना आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट नंबर है हमारा 7303838500। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी PDF फाइल मंगा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट की या किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की। ठीक है, बट गाइस उसके लिए बता दूं कि यहां आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा।
सो गाइज आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा है, तो TMA या फिर प्रैक्टिकल की PDF फाइल के लिए आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7303838500। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, इसके थ्रू आप चाहें तो हमसे NIOS बोर्ड के अंदर एडमिशन भी करवा सकते हैं, है ना। तो जो भी आपकी डाउट या क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा PDF के लिए गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको PDF फॉर्म में ये पूरी की पूरी फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा, तो जो भी आपका चार्ज होगा वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। अदरवाइज किसी स्टूडेंट को ऐसे ही बनाने हैं तो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस का कोई चार्ज नहीं है, तो आप वीडियो देख करके भी बना सकते हैं अपने असाइनमेंट्स को। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको दिखा दिए थे, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, तो ये है आपका, तो आप देख सकते हैं इसमें शायद किसी नज़्म के बारे में पूछा गया है, कश्मीर में कश्मीर की खूबसूरती को किस तरीके से पेश किया गया है। तो ये आप लिखेंगे इसके क्वेश्चन को, देन यू विल राइट योर आंसर। तो आप देख सकते हैं आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। बाकी अगर कोई 12th क्लास में है और उर्दू का TMA चाहता है तो उर्दू 12th क्लास का भी अवेलेबल है, तो 12th क्लास का भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको दिखा दिया है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लेकिन उससे पहले गाइस आपको बता दूं कि अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो उन सभी की स्टडी आप हमारे चैनल से घर बैठे कर सकते हो। इसके अलावा आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल और NIOS बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं, वो आप तक यहाँ से डे टू डे पहुँचती रहती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाकी सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा गाइस अगर आपको इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करनी है तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबसुम। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से आपका इंग्लिश का अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो उसके लिए ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आपको जस्ट यहाँ से वीडियोज लेक्चर अटेंड करने हैं और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार देख लेना। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप चेक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस मैं आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये रहा, तो ये है आपका दर जेल में से किसी एक हिस्से का जवाब 100 से 150 अल्फाज में दीजिए, ठीक है। तो ये रहा, ये यहाँ पे कुछ बीच में आई थिंक कोई पैराग्राफ है जिसका ये लिया गया है। तो गाइस कीप स्टडी इन पाई स्टडी हमारे चैनल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई जारी रखें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, क्वेश्चन एज यू कैन सी हियर इन द 2 लाइंस एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर आंसर। सो आंसर जितना अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही इसका आंसर है। बढ़िया तरीके से आप अपनी फाइल बनाइए ये असाइनमेंट की और अच्छे से जमा करिए उसको, तो आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अप्रैल में या फिर अक्टूबर में 2022 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये असाइनमेंट के क्वेश्चन सेम है, तो आंसर भी आपके यही लिखे जाएंगे। चलिए गाइस मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिखा दिया है, अब हम बात करेंगे इस उस क्वेश्चन की जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन जो है वो हर एक सब्जेक्ट का जो होता है वो प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन कहा जाता है, और इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों को क्या है बुक में भी नहीं मिलता डायरेक्टली। तो हमारे चैनल की खासियत ये होती है, हम पिछले कई सालों से बच्चों को असाइनमेंट सॉल्व असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसमें हम 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर बच्चों को कंप्लीट करके प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर दिए और बाकी के लिए बोल दिया कि भाई आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तो आपको ऑल 6 क्वेश्चंस के आंसर यहां से देखने को मिलते हैं। तो यहां पर भी आपको ऑल सब्जेक्ट से जो भी आप सब्जेक्ट देखोगे सभी के 6 क्वेश्चन के आंसर ही मिलेंगे। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए, तो आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे ये, ठीक है, और फिर जो है आप इसके आंसर को लिखेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो पोस्ट करके उतारिए, मैं कुछ सेकेंड्स का आपको यहाँ पर टाइम दे रही हूँ। चलिएगा इस आगे बढ़ लेते हैं, तो ये रहा अभी जितना हमारा ये आंसर है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उतना ही आपका ये आंसर है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए और जितना भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है आपका आंसर। तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए फुल आंसर विद क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको 6 के 6 जो क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के वो दिखा दिए। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इसके अलावा आप मेरे दूसरे चैनल लर्न इंग्लिश को ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा कम्प्लीट। साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो असाइनमेंट हैं सॉल्व असाइनमेंट उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जितने भी असाइनमेंट
रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उन सभी के लिंक के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, और जो भी आपका राय हो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। बाकी आप अच्छे से अपने असाइनमेंट तैयार करिए और आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी भी हमारे चैनल के थ्रू करते रहें। इसके अलावा अब जो है आपके असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, लास्ट डेट क्या है, जो भी अपडेट होंगी वो धीरे धीरे करके आपके सामने आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडी एंड बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।